चंद हनुमान मंदिर जो हमारे जनपद सीतापुर का रेउसा ब्लॉक अटल चौक का एक आन बान शान है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का, आगंतुकों का, श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है सुबह से शाम तक। और इस वक्त चलचलाती धूप में पानी की काफ़ी किल्लतें हैं, जबकि सरकार कहती है कि जगह जगह पर प्याऊ लगवाएं और नल खराब पड़े हों उनको दुरुस्त करवाया जाए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था समुचित हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जरा हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको यहाँ के प्रधान या जिम्मेदारों की क्या हालात हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये है नल, ये ठंडा कूलर कूल पानी के लिए लगाया गया था। ये है यहाँ पर आप पीने के लिए आए थे, लेकिन ये पानी दूषित दे रहा, बहुत ख़राब है पानी, दूषित पानी है जो पी करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर सरबराकार इस मंदिर की नींव और स्थापना करने वाले गंगादास पुजारी से, जो कि आन बान एक हिंदुत्व की अलख, यहाँ पर हिंदू सुंदर सम्राट के रूप में देखे जा रहे हैं, इस मंदिर के कर्णधार हैं। यहाँ पे इस वक्त चलचलाती धूप है और सरकार का नियम है कि जगह जगह पर मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था हो, लगे हैंडपंप सही से पानी दे और खराब पड़े हों दुरुस्त हों। आपके परिसर में जो नल लगे हुए हैं और एक फ्रीजर लगा हुआ है ठंडा, इस ये खराब पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है और नल पानी सही दे रहा? पानी नल सही नहीं दे रहा है, इसका पानी बहुत पीला पड़ रहा है, दूषित पानी है, दूषित पानी है, ये भी खराब है, इसमें बैरिंग बैरिंग टूट गई है, दो बार हम प्रधान जी से कहा मगर अभी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, और ये जो फ्रीजर लगा है, ये जो है ये एक साल से ऐसे पड़ा है फ्रीजर, न कोई पानी आता है इसमें, न कोई देखभाल कर रहा है इसकी, ब्लॉक द्वारा ये लगवाया गया था। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से पेयजल शुद्ध व्यवस्था नदारद है, ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं, उस पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। लोग पानी दूषित पीने को मजबूर हैं और वहीं पर दूसरे के होटलों पे जाना पड़ रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन मंदिर पर कस्बा अटल चौक पर हनुमान मंदिर की जल पेय व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भूल गए। तो हम पहुँचे हैं रेउसा सीएचसी, देखते हैं पेयजल की व्यवस्था क्या है। इस वक्त रेउसा सीएचसी में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको दिखा दें एक नज़र, पूरी तरीके से तीमारदारों मरीजों की लाइन लगी है कतारबद्ध तरीके से, लेकिन इनके पेयजल की क्या व्यवस्था हम दिखाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति नल को ढारता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी उससे पानी नहीं दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हैं ये है व्यवस्था अस्पताल की। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो किस कदर से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं ये तस्वीर बयां करती है। और जबकि सरकार के नियम हैं शुद्ध पेयजल की और हैंडपंप दुरुस्त कराए जाएं, लेकिन यहाँ के प्रभारी किस कदर से साजिंदा हैं जरा देख सकते हैं। ये है रेउसा सीएचसी का, कहाँ पीते होंगे पानी, कैसे बुझती होगी इनकी प्यास, आप देख पा रहे हैं।